नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। स्मार्ट सिटी का काम कर रही एलएनटी की वजह से निगम और पीएचईडी को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। सीईओ के बाद महापौर ने भी स्वीकारा, कबाड़ कंपनी का नहीं है, फिर क्यों चुप है जिम्मेदार। दिवाली के एक गरीब परिवार के साथ निगम ने किया सौतेला व्यवहार। पूरे शहर में अवैध निर्माण की लगी है बाड़, सिर्फ गरीब की छत पर ही क्यों किया प्रहार। सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ आगाज। प्रीता ठाकुर ने कहा कि चालान से हमारे घर नहीं भरते, यह तो नियमों के पालन की सीख है। और कोटड़ा की 66 पंचायतों के सरपंचों और उप सरपंचों ने एक साथ ली शपथ, 5 साल में आदर्श पंचायत बनाने का किया वादा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक गरीब का घर टूटने की। उदयपुर शहर का देवाली इलाका, यहां पर अधिकतर मकान अवैध ही बने हुए हैं, यानी कि सिर्फ 100 रुपए के स्टाम्प पर। यहां से जिस किसी भी नेता ने वोट लिए हैं उसका सबसे पहला चुनावी एजेंडा यहां पर बसे लोगों को पट्टे दिलवाने का रहता है। लेकिन आज तक ढाक के तीन पार जैसा ही रवैया देवाली में देखा गया है। यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स भी उसी अंदाज में बने हुए हैं। निगम हो या यूआईटी, किसी का हथौड़ा कभी यहां पर नहीं चला है। लेकिन मंगलवार को एक अजीब सा वाकया देखने को मिला, जब एक गरीब के मकान पर निगम का हथौड़ा चला। जिंदगी भर की कमाई अपने छोटे से आशियाना बनाने में लगा दी। उसकी छत को पंचर करने में निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सदमे में पूरा का पूरा परिवार चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस जाब्ते के साथ आए दस्ते को उनकी चीखें नहीं सुनाई दी। उसे तो बस अपना काम करके निकलना था। एक छोटा सा घर अवैध जो था, हालांकि उसके आसपास जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उनके वैध होने का हर प्रमाण तो निगम के पास था ही, इसी वजह से आज तक कार्रवाई नहीं हुई। वैसे उदयपुर शहर में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं जो हर तरह से अवैध है, लेकिन निगम ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह रसूखदारों और धनपतियों की जो है। लेकिन देवाली इलाके में रहने वाले नरेश टांग के पास न तो कोई रसूख था और न ही वह धनपति है, इसलिए उसके घर की छत को पंचर कर दिया गया। उदयपुर न्यूज निगम के कर्ता धर्ताओं, ईमानदार जनप्रतिनिधियों और ईमानदार अधिकारियों से अपील करता है कि अगर नरेश टांग का मकान अवैध था और कार्रवाई की गई है तो शहर की उन आलीशान इमारतों का क्या जिनकी बुनियाद ही अवैध रूप से रखी गई है। वाकई में आप ईमानदार हैं तो उन्हें भी ध्वस्त करके दिखाइए, वरना आपका जो सौतेला व्यवहार है उसे साफ जाहिर हो जाएगा कि रसूख और धनबल के आगे आप भी नतमस्तक हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उदयपुर में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज मंगलवार को हुआ। पुलिस लाइन स्थित सभागार में एक कार्यक्रम के आयोजन के साथ इसकी शुरुआत हुई, जिसमें कई स्कूली बच्चों ने रोड सेफ्टी के मुद्दे पर अलग अलग प्रस्तुतियां भी दी। इसी कड़ी में हेलमेट पहनने से क्या फायदे हैं और रोड सेफ्टी के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए और कई गीत भी सुनाए। जिला प्रशासन द्वारा शहर में पीली टी शर्ट वाले नौजवानों पर किए गए प्रयोग की सफलता से भी प्रशासन काफी खुश दिखाई दिया। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक बिनीता ठाकुर थी। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई के साथ यातायात पुलिस और जिला पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस महानिरीक्षक बिनीता ठाकुर ने बताया कि अब यह कमान नौजवानों के हाथ में है, इससे काफी सकारात्मक रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं और जिन लोगों में पुलिस का भय है वह लोग इन पीली टी शर्ट वाले नौजवानों को समझाने पर आसानी से समझ भी जाते हैं। वहीं बिनीता ठाकुर ने अपील करते हुए कहा कि रोड सेफ्टी के लिए जब पुलिस किसी का चालान काटती है तो वह अपना घर भरने के लिए नहीं बल्कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए करती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को चालान से डरना नहीं चाहिए और हेलमेट लगाकर ही अपने घर से निकलना चाहिए। कार्यक्रम के पश्चात पुलिस महानिरीक्षक बिनीता ठाकुर और एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। बिल्कुल इसी सोच के साथ हमने ये थीम रखी गई, युवाओं को जोड़ करके युवाओं के माध्यम से ये अपील दी जाए, क्योंकि युवा अपील बहुत ही
मतलब अट्रैक्टिव अपील है, उनमें जोश भी रहता है और सबसे ज़्यादा युवाओं में ही बेसिकली थ्रिल रहता है कि ओवर स्पीडिंग करें या वायलेशन जो, तो अगर वो पालना करेंगे तो डेफिनेटली समाज में ऑलमोस्ट सभी वर्गों में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और जो हमारा थीम है उस पर एक्चुअली काम हो पाएगा और हम कामयाब रह पाएंगे। वॉलंटियर्स का फर्स्ट फेज जो है वो सक्सेसफुल नज़र आ रहा है, आगे इस पे किस तरह से? जी बिल्कुल, इसमें मैंने भी कई बार इंटरेक्शन किया इन छात्राओं के साथ में, छात्र छात्राओं के साथ में, काफ़ी इनमें जोश रहा है और इनका अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है और हम इसको पूर्ण प्रयास करके इसमें और से अधिक बच्चों को, छात्र छात्राओं को जोड़ करके इसको नेवर एंडिंग प्रोसेस के रूप में हम लोग इसको सिटी में अब स्थापित करेंगे स्कीम को। इस वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो थीम है युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन, ये इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमने नोटिस किया ये युवा शक्ति जो है जो सड़कों पे आ रही है, इनको जागृत करना, इनका सहयोग लेना और इनके माध्यम से परिवर्तन लाना बेहद आवश्यक है और ना केवल आवश्यक है बल्कि बहुत प्रभावी भी है क्योंकि ये कुछ हमने कॉलेजेस, स्कूल्स और अनुष्का जो सेंटर है उसके थ्रू हम लोगों ने इनके बच्चों को ट्रैफिक से एसोसिएट किया और ट्रैफिक को काफ़ी दिनों से ये संचालित कर रहे हैं और इनको ये चीज़ कि किस माध्यम से, बच्चों के माध्यम से ये लोगों को ज़्यादा समझ में आती है हमने नोटिस किया और जहाँ भी जिस चौराहे पे भी ये बच्चे रहे हैं वहाँ पर लोग ऑटोमेटिकली ज़्यादा रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि इन बच्चों के माध्यम से सभी लोगों को एक रूल्स फॉलो करने का और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होने का मौका मिला है। मैं आशा करती हूँ कि इन बच्चों का जुड़ाव सुरक्षा के लिए केवल इस सप्ताह ही नहीं परंतु आगे भी जारी रहेगा और बच्चों के माध्यम से, युवा शक्ति के माध्यम से हम एक ये परिवर्तन है जो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का जो एक हमारा वो है टारगेट है उसको पूरा करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। शहर के अश्विनी बाजार के व्यापारी कई दिनों से धूल मिट्टी, पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान हैं। ये परेशानी नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे काम की वजह से हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि जब काम शहर के अंदरूनी इलाके में चल रहा है तो मटेरियल अश्विनी बाजार में क्यों डाला जा रहा है। रोड के एक तरफा बजरी, कंक्रीट और पत्थर के ढेर डाल दिए गए जिसके चलते यहां बाजार में राहगीरों को आने जाने में दिक्कतें तो उठानी पड़ रही हैं, साथ ही व्यापारियों को भी बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, व्यापारियों का कहना है कुछ महीनों से व्यापार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस समस्या से निराकरण के लिए कई बार महापौर, आयुक्त और संबंधित अधिकारियों से व्यापारियों ने मुलाकात भी की लेकिन आज भी हालत जस के तस बने हुए हैं। व्यापारियों ने इस समस्या के मामले में पिछले दिनों व्यापार को बंद रखकर विरोध भी जताया। इस दौरान निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लिखित में मटेरियल हटाने का आश्वासन भी दिया लेकिन कुछ समय बाद फिर से बड़ी तादाद में मटेरियल डाल दिया गया। व्यापारियों ने उदयपुर न्यूज को इस पीड़ा को बताते हुए कहा कि जल्द ही इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो फिर से कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हमारे व्यापारियों की समस्या पहले भी थी और हमें बहुत परेशानी भी हो रही थी तो हमने इस बारे में एक दिन बाजार बंद करके नगर निगम को ज्ञापन भी दिया और जिला प्रशासन को भी दिया कि ये डंपिंग यार्ड खत्म किया जाए। यहाँ पर सुबह सुबह पार्किंग की जगह पे पूरे रेती के डंपर खाली हो जाते हैं और रेत वन वे पूरा जाम हो चुका है। हमने फिर भी नगर निगम ने हमारे ऊपर कार्रवाई की और व्यापारियों को कहा कि आप लोग अतिक्रमण करते हैं तो हमने नगर निगम को लिखित में कहा कि हम अतिक्रमण नहीं करेंगे और आज के बाद किसी भी कोई भी व्यापारी अपनी दुकान के एक आधा फीट के बाहर कोई ज़्यादा सामान नहीं रखेगा, पूरा फुटपाथ कवर नहीं करेगा और हमने पहल भी की लेकिन हमारी भी समस्या सुनी जाए। लेकिन जब हमने कहा कि आपकी समस्या भी सुनी जाएगी और नगर निगम के एक एक्शन लेवल के अधिकारी ने आकर ही बोला कि यहाँ पर कोई भी डंपिंग नहीं होगा, रेती गिट्टी सीमेंट खाली नहीं होंगे, लेकिन आज की स्थिति में यही जैस की तस है, पूरी मनमर्जी चल रही है और व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है हमारा। रेती गिट्टी काम सिटी के अंदर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर कोई है तो उसका पैसा भी पूरा दे रहा है ठेकेदार को, नगर निगम तो पूरा पैसा दे रहा है तो पूरे बाहर से मंगावे, यहाँ रखे उनको पैसा बचा, उनकी कमाई के चक्कर में हमारी ऐसी तैसी क्यों हो रही है और ये व्यापारी बेचारा हर तरह से मर रहा है और उसको मारने के लिए ये भी और नई चीज़ बताई और अतिक्रमण हम कर रहे हैं तो ये क्या अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं है क्या? अगर ये अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं है तो हमें नगर निगम बता दे या जिला प्रशासन बता दे या स्मार्ट सिटी पर कंपनी बता दे। इस तरह से हदधर्मिता हो गई और पूरी तानाशाही के रूप में काम हो रहा है, पूरा वन वे जाम है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, इससे व्यापारी बहुत त्रस्त है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमें वापस कुछ न कुछ अग्रिम कदम लेना पड़ेगा। अगर हमारे तो विशेष तरह से हम प्रशासन का सहयोग करने वाले हैं हमें और हमारा व्यापार संघ हमेशा प्रशासन का सहयोग करता है
लेकिन कुछ तो होती है, आदमी गले तक भरेगा तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, और यह स्थिति आज यहाँ हुई है। पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है और प्रशासन ने, नगर निगम प्रशासन ने 20 दिन 25 दिन पहले एश्योर किया था हम आपका ये सारा साफ करवा देंगे। साफ एक बार करवा दिया, फिर वापस 8 दिन बाद से ही डंपिंग शुरू हो गई। पार्किंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। क्या मांग करते हैं आप? तत्काल हटाई जाए, तत्काल हटाई जाए, और भविष्य में और नहीं डाले उसके लिए पाबंद किया जाए। पूर्व में भी हुआ था ऐसा? ऐसा पूर्व में हुआ था, नगर प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि तत्काल हटा दी जाएगी और आज के बाद यहाँ नहीं होगी ये डंपिंग। क्या है, पहले भी यहाँ पे काफ़ी डंपिंग कर रखी थी, फिर हमने आंदोलन किया था तो ये सारी डंपिंग हटाई, और हमारे से प्रॉमिस किया था इन्होंने नगर पालिका वालों ने आज के बाद डंपिंग नहीं होगी, और उसके बाद ये करीब 15 दिन से वापस डंपिंग यहाँ पे चालू कर दी। तो समस्या क्या हो रही है आपको? समस्या क्या, पूरे दिन दुकान में धूल आती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, और पार्किंग की पूरी जगह खत्म हो गई। क्या मांग कर रहे हैं आप? डंपिंग अविलंब हटनी चाहिए। मेरा अश्विनी बाज़ार में दुकान है। ऐसा है कि जो भी नगर निगम की यहाँ पे पार्किंग है, कब्रिस्तान वाली रोड के बाहर पे जो आम नागरिक पार्किंग करता है, यहाँ पे पूरे एलएनटी वालों ने कचरा, रेती, मलबा और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी समय से डाल रखी है, जबकि काम और कहीं चलता है, कोई दूसरे इलाके में काम चलता है, और सारा डंपिंग यहाँ पे होता है ताकि ग्राहक अपनी गाड़ी भी नहीं रोक सकता है, तक कस्टमर्स भी नहीं आ रहे हैं, और दूसरी बात जो भी सामने रेती वगैरह गिट्टी पड़ी है सारा दिन उसका धूल धूप मिट्टी इतना हो रहा है, हमारा जो भी सामान है वो भी ख़राब हो रहा है, ताकि हमको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। पूर्व में भी ऐसा हुआ था क्या? पहले भी 2-4 बार ऐसा हुआ था, हमको आश्वासन मिला था कि आगे जैसा नहीं होगा, फिर भी कब रात में माल आता है और सुबह सुबह लोग उठा ले जाते हैं, मतलब काफ़ी बार हमको दिक्कत हुई है, तो हमने काफ़ी बार इनको पहले बोला है, और हमेशा हमको आश्वासन देते हैं अगली बार ऐसा नहीं होगा नहीं होगा, पर ऐसा हमारी कोई नहीं सुनता। ये अश्विनी बाज़ार में क्या होता है कि आज जैसे ठेके जाते हैं 10 दिन के बाद में वापस वही की वही बात होती है, ठीक है, और उनसे ठेकेदार से हमारे झगड़े भी हुए 2-4 दफ़ा, फिर यहाँ आते फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर ये करते हैं, हम नहीं तो अभी जाके कहाँ कहाँ जाए, हम इस चीज के हम परेशान हो गए हैं, तो आगे जाके क्या करें? टाक साहब के पास भी गए, हाँ साहब वहाँ पर कह रहे हैं, हाँ साहब फोटो खींच के भेज देना, हम साहब संडे को हमारे को फ़ोन कर देना 11 बजे हम आ जाएंगे आपके यहाँ देखने के लिए, फ़ोन करा साहब आए नहीं, कितने दिन करेगा दुकानदार, कितने दिन परेशान होगा, तो दुकानदार के कस्टमर आते गाड़ी यहाँ रख के जाएंगे चले जाएंगे आगे, और गाड़ी रहेंगे यहाँ आपका रोड है क्या, सामने जगह नहीं है, और सामने ठेले पड़े हुए उनको कोई नहीं हटा रहा, 5-5 6-6 महीने हो गए, 7-7 बढ़ ऐसी ऐसी गाड़ी हो रही, प्रॉब्लम है सब पूरी अच्छे डेली गेट के अच्छे हो जाता। व्यापार में कितना फर्क पड़ा आपका इससे? व्यापार का 70% फर्क पड़ गया, खर्च 30% किराया नहीं निकल रहा दुकानों का, खर्चा तो किराया नहीं निकलो खाने पीने का इस बात के लिए, और लोग परेशान हो गए पास पास में। ठीक है, ठीक है, हमारे को यहाँ अश्विनी बाजार में एक ही प्रॉब्लम है जो अतिक्रमण इन्होंने जो बाहर कर रखा है, पत्थर गिट्टी रेती जो भी ये लोग सब डाल रहे हैं यहाँ पे, इनसे मतलब आम जन को भी अतिक्रमण हो रहा है, हमारे को भी अतिक्रमण हो रहा है, ना हम हमारी गाड़ी कहीं खड़ी कर सक रहे हैं, ना हमारे ग्राहक यहाँ आ सकते हैं, ना वो उनकी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं कहीं भी, कोई पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है फिलहाल, तो भी इन्होंने इतना अतिक्रमण कर रखा है, इतनी बार इनको ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। मतलब जब तक ये देखा जाए कि भाई नगर निगम को इस मलबे से जो इन्होंने डाल रखा है रोड पे, जो पीछे वाले का मलबा है कहीं का भी जो डाल के इन्होंने रोड पे डाल रखा है, उनका इनको कोई अतिक्रमण नहीं लगता है, सिर्फ व्यापारी जो अतिक्रमण करते हैं दुकान के बाहर, जो थोड़ा सा एक छोटा सा बोर्ड लगा देते हैं, उनको ये लगता है कि अतिक्रमण व्यापारी करते हैं, तो व्यापारी कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। कृपया हमारा यही नगर निगम प्रशासन से यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी हमारा यहाँ पे मलबा हटाया जाए और बाजार पूरा एक व्यवस्थित सुचारू। पूर्व में भी आपने प्रयास किया था ना इसको हटाने का? बहुत बार हमने प्रयास किया है, हमने 2-2 बार अश्विनी बाजार व्यापार संघ पूरा बंद भी रखा है, पर हमारी कोई सुनवाई न तो महापौर साहब ने की है, न ही नगर निगम के कोई भी IN वगैरह ने इन्होंने की है, जो कि हमारे को लिखित में भी दिया हुआ है IN की तरफ से, तो भी उन्होंने वापस ये डाल रखा है, इनका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल रहा है, हम बहुत परेशान हैं व्यापारी, पर अब किसको सुनावे क्या करना है ये। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे स्मार्ट कार्यों से अब शहरवासी भी खौफ खाने लगे हैं। आपको बता दें कि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए L&T कंपनी को करोड़ों रुपए के ठेका दिया गया है, और L&T के सभी अधिकारी इस ठेके की आड़ में अब निगम और PHED के राजस्व पर भी डाका डाल रहे हैं और जमकर चांदी कूट रहे हैं।
जी हाँ, उदयपुर न्यूज ने एक बड़ा खुलासा करते हुए निगम के राजस्व पर डाका डालने वाले एलएनटी के ठेकेदार के कारनामे उजागर किए थे और बताया था कि एलएनटी कंपनी के ठेकेदार खुदाई में निकलने वाले लोहे को अपने स्तर पर ही कबाड़ी की दुकान पर बेच रहे हैं। इस पूरे मामले को पुख्ता करने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने स्मार्ट सिटी के सीईओ कमर चौधरी से भी बात की थी, जिसमें उन्होंने भी माना था कि खुदाई के दौरान निकलने वाला लोहा या तो पीएचईडी का है या निगम का। एक दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक निगम के राजस्व पर डाका डालने वाले ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। यदि आंकड़ों की बात करें तो सोमवार को जो ट्रक रावजी का हाटा से निकलकर बेड़वास के कबाड़ी की दुकान पर खाली हुई थी, उसमें करीब 4 टन लोहा था और उसकी कीमत कम से कम भी गिने तो 7,000 रुपये होती है। ऐसे में शहर में यदि 10 जगहों से भी एक एक ट्रक रोजाना रवाना हो तो करीब 70,000 का लोहा प्रतिदिन एलएनटी के ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से बेचा जा रहा है। मतलब साफ है कि एक महीने में करीब 1.5 करोड़ रुपए का लोहा, जो कि निगम या पीएचईडी का राजस्व है, उस पर एलएनटी के ठेकेदारों द्वारा चांदी कूटी जा रही है। सीईओ कमर चौधरी द्वारा स्पष्ट कर देने के बाद भी हमारी टीम ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की और मंगलवार को नगर निगम के महापौर जीएस टाक से बात की तो उन्होंने भी साफ किया कि खुदाई के दौरान निकलने वाला सारा लोहे का सामान या तो पीएचईडी का है या नगर निगम का है। इसमें एलएनटी के किसी भी ठेकेदार को इसे बेचने की कोई एनओसी निगम द्वारा नहीं दी गई है और यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा है कि अगर वो ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन का अगर है तो वो वाटर हाउस के पास जाएगा और कोई भी स्लेब है, आरसीसी स्लेब है या कोई ड्रेनेज के पाइप्स हैं, वो सारे नगर निगम के पास आएंगे। सर, इसके अंदर किसी को मतलब एलएनटी वालों को अधिकृत किया हुआ या कोई एनओसी मिली हुई है क्या कि वो सारा सामान एलएनटी लेके चली जाए या उसको कहीं नहीं एलएनटी ले जाके नहीं जा सकती। नहीं वो सब उनकी जिम्मेदारी, वो हमारे यहाँ जमा करा हुआ है। सर, इस तरह का पाया गया तो किस तरह का एक्शन लेगी नगर निगम? वो हम देखेंगे, आप लोग कोई रिपोर्ट, कोई शिकायत आएगी वो लेके कहीं भग गए तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे। तो देखा आपने महापौर जीएस टाक का क्या कुछ कहना था। स्मार्ट सिटी के सीईओ तक ने माना है कि सारा कबाड़ या तो पीएचईडी का है या नगर निगम का है। ऐसे में यह तो साफ हो गया है कि एलएनटी कंपनी के कर्ता धर्ता या ठेकेदार उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए महीने की चांदी कूट रहे हैं और इस वजह से शहर के 2 विभागों को राजस्व की हानि हो रही है। इस पूरे मामले पर जब हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी ने एलएनटी के ब्रांच हेड विपिन त्यागी से बात की तो मानो उनको सवाल सुनते ही सांप सूंघ गया हो। पहले तो आराम से बात की लेकिन जैसे ही सवाल पूछा तो 5 सेकंड तक मौन धारण करने के बाद कहा कि मीटिंग में हूँ, आवाज साफ नहीं आ रही है। आप भी सुन लीजिए। आज तो यार थोड़ा मैं हूँ नहीं, थोड़ा इधर उधर था, एक मीटिंग में जा रहा था जी। परसों तो लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं सर, आप मुझे एक जानकारी बता दीजिए कि ये जो नगर निगम, ये जो खुदाई के दौरान जो भी लोहा निकलता है अंदर से, वो कहाँ जाता है सर? हेलो जी, चलो मैं बता दूंगा, कहीं मीटिंग बैठा हूँ यार, कहीं थोड़ा बोलिंग पोजीशन हो जाए। ठीक है। शहर को स्मार्ट बनाने वाली एलएनटी कंपनी ने इन दिनों आम जनता को काफी परेशानी में डाल रखा है। एक तरफ तो उदयपुर जिला कलेक्टर आनंदी ने भी एलएनटी के सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शहर के सिटी रेलवे स्टेशन के सामने होटल पथिक के पीछे वाली गली में स्मार्ट सिटी के काम के तहत अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले एलएनटी के ठेकेदारों ने खाली पड़े निजी भूखंडों को डंपिंग यार्ड बना दिया है और अलग अलग क्षेत्रों से गिट्टी, चूना आदि रो मटेरियल यहां लाकर डालना शुरू कर दिया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि दिन भर में यहां कई बड़े डंपर भी आते हैं और बहुत अधिक मात्रा में चूना और मिट्टी भी उड़ती है, जिनसे उनके घर की दीवारें खराब हो रही हैं और आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी के लिए क्षेत्रवासियों ने एलएनटी के अधिकारी संजीव से भी बात की थी और उन्होंने भूखंड में रखा सारा सामान खाली करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन यह आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया और आज तक वहां से सामान को नहीं हटाया गया है। अब यहां स्थिति साफ होती है कि कलेक्टर के आदेश भी एलएनटी कंपनी नहीं मानती है और शहर को स्मार्ट बनाने की आड़ में लोगों को भी जमकर परेशान कर रही है।
जो निजी भूखंड खाली पड़े हैं वहां एलएनटी के ठेकेदारों द्वारा अपने सामान रखकर कब्जा कर लिया गया है और उन्हें नहीं हटाया जा रहा। क्षेत्रवासियों में भी काफी आक्रोश है इस पूरे मामले पर। जब हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने एलएनटी के अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि क्षेत्रवासियों ने कई बार शिकायत की है और हम इसे जल्द हटा लेंगे, लेकिन कब तक हटा लेंगे इस सवाल पर वह कोई जवाब नहीं दे पाए। ये कॉलोनी है शिवाजी नगर से एडजॉइनिंग, धोली मगरी कहते हैं इसको। स्मार्ट सिटी का शहर में काम चल रहा है, अच्छी बात है। हमारा शहर अगर स्मार्ट सिटी के रूप में बन रहा है और यहाँ सब डेवलपमेंट होता है तो शहरवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा प्रशासन ने भी इनको कह रखा है कि स्मार्ट सिटी के काम के तहत पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा वास्तविकता में हो नहीं रहा है। यहाँ एलएनटी काम कर रही है, पिछले 1.5 साल से इन लोगों ने यहाँ पे इतना परेशान कर रखा है कि हर बार यहाँ खुदाई कर देते हैं। और अभी तो इन्होंने इतना डंपिंग यार्ड बना दिया है, ये प्राइवेट प्लॉट्स हैं, सबके पर्सनल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे दिन भर डंपर्स का आना जाना लगा रहता है, डंपर्स यहाँ खाली होते हैं, उसके बाद जेसीबी से ट्रैक्टर्स के अंदर जो है रीलोडिंग करके अलग अलग साइटों पर मटेरियल भेजा जाता है। तो ये कोई कॉलोनी के अंदर इस तरह की एक्टिविटी होना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं। इतना धूला उड़ रहा है और सड़क पर इतनी ज़्यादा रेती और कंक्रीट भरी हुई है कि कोई भी टू व्हीलर कभी भी जो है स्लिप होगा और किसी की भी हड्डी टूट सकती है। तो इस पर रोक किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये कहीं बाहर के एरिया के अंदर डंपिंग यार्ड होना चाहिए, शहर के मध्य में और कॉलोनी के अंदर इस तरह की एक्टिविटी कैसे हो सकती है। एलएनटी वालों को कई बार हमने संपर्क किया, उन्होंने हर बार आश्वासन दिया कि हम इसको बस एक दिन में बंद कर रहे हैं, दो दिन में बंद कर रहे हैं। ठेकेदारों को कह दिया है कि यहाँ से ये हटाओ, बट आज तक 10-12 दिन हो गए हैं, अभी तक तो कुछ हटा नहीं है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इनका इतना पुअर है, ये देखिए आप, ये टाइल्स जो है इन्होंने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई है, ये अभी से बैठ गई है, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी से इतना हैवी ट्रैफिक है कि ये बैठ गई है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और जैसा पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसको तुरंत यहाँ से जो है कहीं बाहर एरिया में शिफ्ट करने की ऑर्डर्स इशू करें। उन प्राइवेट प्लॉट्स वालों ने भी एलएनटी वालों से कई बार संपर्क किया और एलएनटी वालों ने हर बार ये कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में हम काम कर रहे हैं, आप हमें सहयोग दो, हम 2 दिन में हटा लेंगे, 4 दिन में हटा लेंगे। लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक यहाँ से ये चीज़ें हटी नहीं है। ये पड़ा हुआ है कंटेनर, पड़ा हुआ 1.5 साल से यहाँ पे, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इतनी न्यूसेंस रहती है रात के टाइम में, बट कोई देखने और सुनने को तैयार नहीं। सर उसका क्या है ना, देखिए जो डंपिंग यार्ड तो नहीं है, जैसे मटेरियल तभी गिरता है जब हम लोग को शिफ्ट करना होता है, तो मैं उसको शिफ्ट करने के लिए बोला हुआ है। उनका सीपी अग्रवाल जी का फोन गया था मेरे पास, सनोबार होटल के साथ ऑनर था जी, तो उनको मैं बोला था थोड़ा हम लोग साइड कर लेंगे ताकि उनके होटल का जो भी बिजनेस है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आप देखिए ना, इतना मान लीजिए शिवाजी नगर में काम चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम लोग कहीं और डंप कर सकते हैं। अगर आपके नज़र में कोई हो तो आप बताएं जहाँ करें हम लोग, क्योंकि मटेरियल डंपिंग भी तो एक तरह से प्रोसेस ही समझ लो सर आप इसको। नहीं नहीं, हम लोगों ने तो एरिया में बहुत लोगों से पूछा, कोई बताया नहीं, तो अगर आपके नॉलेज में तो बताइए, मैं अभी आप जहाँ बताएंगे वहाँ कर दूंगा। कलेक्टर मैडम ने एक ये बात भी कही थी कि आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी काम के चलते, लेकिन आम लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए देखिए, जो मटेरियल डंपिंग है ना सर, उसको काफी हद तक हम दूर भी करते हैं। पहले हमारा एक रोशन लाल के पास था, ठीक है, आपको शायद पता भी होगा जी, तो रोशन लाल में वहाँ स्कूल वालों को दिक्कत आई थी, वहाँ से हमने टागे थोड़ा उधर आउटर में किया ताकि वहाँ कुछ घर वगैरह ना हो, बट वो प्रॉब्लम एक आ रही है जो सनोबार होटल है, तो वहाँ से मैं थोड़ा और उसको साइड कर लूंगा ताकि दिक्कत ना हो। पर सर प्राइवेट प्लॉट्स में सामान पड़ा है सारा। हाँ उस सारा देखिए, कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा ना सर, अगर आप कुछ सजेस्ट करें। अगर इसके लिए आपने जिनके प्लॉट है उनसे परमिशन ले रखी है क्या? हाँ उनसे बात हुई है सर, जो वहाँ पे उनको ऑब्जेक्शन नहीं है। स्टार्टिंग में जहाँ हम लोग का कंटेनर वगैरह था ना, तो दिक्कत नहीं थी। जिनको जहाँ पे गैस सिलेंडर है, मैनुअल से है, वहाँ पे दिक्कत थी तो हमने मैनुअल वगैरह शिफ्ट कर दिया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपातकालीन सेवा एवं सीटी एमआरआई सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल ओपीडी निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क, एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं, आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम NH 8, तहसील नादवारा, राजसमंद। कॉल 1800300000023।
हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले, तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राज पुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरण मगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट, वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में, 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। कॉन्टैक्ट 9983055577, न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। विजिट www.vaidehidevelopers.com। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास
एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरण नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर नगर निगम के वार्ड 51 में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे काम के दौरान पानी की पाइपलाइन फूट जाने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। आपको बता दें कि इस वार्ड के पार्षद उप महापौर पारस सिंह भी है। वार्ड के पासवान जी की गली में खुदाई के दौरान पाइपलाइन टूट गई और फोर्स के साथ पानी सड़क पर बहने लगा। हालांकि एलएनटी के कर्मचारियों ने पानी के बहाव को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग को इसकी सूचना भी दी, लेकिन कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच पाया। इस वजह से लाखों लीटर साफ पानी ऐसे ही व्यर्थ हो गया। पानी खूब सारा बह रहा है, अभी तो कोई आया नहीं ठीक करने के लिए। आधा घंटा ऊपर हो चुका है, अभी तो कोई नहीं आया। पूरा पानी बह चुका है और पूरी गली में पूरा पानी बह रहा है। प्रशासन को अवगत कराया क्या आपने? हमने फ़ोन करे हैं फ़ोन सबको, अभी तक आया कोई नहीं है। तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, घंटे भर से पानी बह ही रहा है। तो पानी देखो, अभी तो सारा पानी बह गया इसके अंदर। जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मंगलवार को सूचना केंद्र में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। इस मौके पर सूचना केंद्र में एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें आने वाले 7 दिनों तक विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के स्टूडेंट्स प्रदर्शनी को देखेंगे और सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में सीखेंगे। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन SP कैलाश चंद्र बिश्नोई ने किया। इस अवसर पर यातायात डिप्टी नेत्रपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक सुधा पालावत बतौर अतिथि मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने बताया कि इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन रखा गया है। इस मौके पर कई स्कूलों के बच्चे मौजूद थे, जिनको पपेट शो के माध्यम से जागरूक भी किया गया। गांधी ग्राउंड के अंदर हम सर 1000 बच्चों को शपथ दिलाएंगे और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। तीसरे दिन हमारा सर कार्यक्रम है कि हम मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन करके सड़क सुरक्षा, वहां पर हम एक व्याख्यान माला का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे साथ IIT रेल मगरा, आधार फाउंडेशन और NGO जुड़े हैं, जहां पर हम रोड सेफ्टी के बारे में बताएंगे। कार्यक्रम है 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर हम हर दिन अलग अलग गतिविधि करेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, आज इसका उद्घाटन है। आज यहाँ प्रदर्शनी का उद्घाटन SP साहब करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के प्रति अवेयरनेस जागरूक करना। जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, बिना हेलमेट पहन के गाड़ी चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाते हैं, उनको जागरूक करने का उद्देश्य इस प्रदर्शनी का माध्यम यही है। उसके लिए बच्चे आएंगे यहाँ पर? उसके लिए हर दिन 100-100 बच्चे, 150 बच्चे आएंगे। कल हमारा विशेष कार्यक्रम है, कल हम 1000 लोगों को शपथ दिलाएंगे गांधी ग्राउंड। ये 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह समारोह, इसका उद्घाटन आज हुआ है। इसमें एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है और उसके तत्वावधान में ही आज सुबह शुभारम्भ के बाद में अभी ये सूचना केंद्र में ये सड़क सुरक्षा जागरूकता पर ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इसका मकसद ये है कि जन जन तक जो है वो सड़क सुरक्षा की जागरूकता का बात पहुँचे। और इसके लिए प्रतिदिन 2 से 3 स्कूल्स के बच्चे हैं जो इस पूरे सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रदर्शनी को देखेंगे। LIC कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चे के बैनर तले मंगलवार को देशव्यापी आह्वान के तहत उदयपुर में भी कर्मचारियों ने 1 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा। दोपहर 12:15 से लेकर 1:15 तक LIC के सभी कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाया। LIC के कर्मचारी सरकार द्वारा IPO जारी करने और LIC के निजीकरण के प्रयास करने का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि सभी कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है और पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई आशानुरूप जवाब नहीं आया। इसलिए सभी कर्मचारियों ने मंगलवार को फिर से देशव्यापी हड़ताल के तहत 1 घंटे का कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। उपक्रमों में निवेश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सार्वजनिक उपक्रमों में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। LIC के निजीकरण की साजिश रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। LIC चलेगा, नहीं चलेगा।
उदयपुर जिले का आदिवासी बाहुल्य इलाके की कोटड़ा तहसील की 66 ग्राम पंचायतों का एक साथ शपथ ग्रहण समारोह कोटड़ा मुख्यालय पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी पंचायतों के सरपंच और निर्वाचित वार्ड पंच मौजूद रहे। वहीं इस दौरान विकास अधिकारी धनपत सिंह राव सहित प्रधान मुरारी लाल बंबोरिया, SDM डॉक्टर शुभ मंगला, आस्था विकास मंच के अध्यक्ष सरफराज सहित कई अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सभी ने नवनिर्वाचित सरपंचों और उप सरपंचों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के साथ ही आगामी 5 वर्षों में पंचायत स्तरीय योजनाओं का लाभ हर ग्रामीण तक पहुंचाने के साथ ही हर पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की शपथ दिलवाई। आइए एक साथ 66 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह की कुछ झलकियों से आपको भी रूबरू करवाते हैं। कोटड़ा को अगर जैविक बना दिया जाए सब अमीर बन जाएंगे। एक ही बात है उदयपुर शहर को कि कोटड़ा में केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज नहीं होता और केमिकल भी यूज नहीं होता है। बस अगर इतना कर लेना हम सब अमीर हो जाएगा। शहर आएगा यहाँ घूमने के लिए और आकर के जाते टाइम पूरा गाड़ी भर के लेके जाएगा और हमें उसका 3 गुना दाम मिल जाएगा। एक मैडम से बात हुई थी बाकेश के सरपंच साहब से बात, जिसको कहते थे हर्बल गुलाल अपने यहाँ केवड़िया आता है। अगर अपन केवड़िया के फूलों को जो नीचे गिरे हो ऊपर से नहीं छोड़ते, ऊपर से छोड़ दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने प्रॉब्लम कर रहे थे, नीचे गिरे वो और अपन पुराने शिक्षा का अधिकार कानून सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और जब इस पर बड़ी बड़ी कार्यशाला होती है अधिकारी अपने अपने इलाके का रिकॉर्ड बताते हुए दावा करते हैं कि उनके इलाके में कोई अनपढ़ नहीं है और शिक्षा के प्रति लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है कि हमारा देश विकासशील देशों में सबसे अग्रणी है। लेकिन आज हम आपको कोटड़ा के कोलिया गांव के एक स्कूल की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस स्कूल की बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि यहां पर शिक्षा ग्रहण करना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। स्कूल में वर्तमान में 219 बच्चे हैं जो पहली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनके कमरों और बरामदे की हालत ऐसे है कि कभी भी पूरी बिल्डिंग धराशाही हो सकती है। गर्मी के दिनों में तो जैसे तैसे बच्चे और अध्यापक अपना दिन निकाल लेते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में हालत काफी खराब हो जाती है। बिजली की गर्जनाएं हमेशा सभी को खौफ के साए में पढ़ने और पढ़ाने को मजबूर करती है। स्कूल की दीवारों में दरारें आ गई हैं, पिलर और छत जर्जर हो चुकी है। हालत यह है कि बच्चे स्कूल के बाहर पढ़ने को मजबूर है। इतना ही नहीं, प्रधानाचार्य के कार्यालय की हालत भी ऐसी ही है, उन्हें अपनी कुर्सी टेबल बाहर लगानी पड़ रही है। इसको लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लेकर सभी अधिकारियों और सरकार तक कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहां तक कि स्कूली बच्चों को पोषाहार और रोजाना मिलने वाला दूध तक नहीं दिया जाता है। आइए आपको भी दिखाते हैं कोटड़ा के कोलिया स्कूल में पहुंचे हमारे सहयोगी भरत कुमार सेन की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। इसमें भी डेंस वगैरह चेयर वगैरह कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। आप इस स्कूल के बाहर देख सकते हैं कि सीसी रोड भी नहीं है, कितने गड्ढे हैं, बच्चों को आने जाने में भी बहुत सारी तकलीफ होती है। और देखिए इसकी फाटक भी बहुत छोटी सी दे रखी है, कोई बड़ा गेट भी नहीं है स्कूल के आसपास। साइड में पूरी बिल्डिंग्स के अंदर पानी छूता है, बारिश के टाइम पे यहाँ बैठ भी नहीं सकते ना खड़े रह सकते हैं, इस तरीके की हालत है। और देखिए ये 6वीं क्लास है और बहुत ही छोटा सा हॉल है ये, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं। इसके इस कमरे की हालत भी बहुत नाजुक सी बनी हुई है, इन पट्टियों को देखिए दरारें आ रही है इसके अंदर से भी, पूरा बारिश के अंदर तो आप यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते हो। इसके अंदर किसी भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इन पट्टियों के जॉइंट खुले हुए नहीं हों, देखिए। और बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में, ना इसमें कलर है, ना शिक्षा विभाग के कोई लोगो लगे हुए हैं, ना कुछ भी नहीं है और कोई भी सुविधाएं नहीं है। और 6वीं क्लास के अंदर डेंस वगैरह होनी चाहिए, चेयर्स होनी चाहिए, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है अभी। ये देखिए सारे के सारे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, पूरी स्कूल जर्जर हो चुकी है, सारी छतें लटक चुकी हैं और बाहर बैठने पर बहुत मजबूर हैं बच्चे सारे के सारे। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना टेबल है, ना कुछ है, ना स्टूल वगैरह है, ना चेयर है। और कई बार प्रशासन को चेताया गया है, अधिकारी शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट दी गई है, लेकिन किसी ने भी अभी तक सुनवाई नहीं की है। देख सकते हैं कि ऊपर की दीवार RCC एंगल्स छोड़ चुके हैं और सारी की सारी पूरी बिल्डिंग है, इसमें पूरी स्कूल के अंदर एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो उसकी कंस्ट्रक्शन उसमें सही सलामत हो, पूरा कंस्ट्रक्शन खराब हो चुका है और कोई भी अधिकारी ध्यान देने वाले नहीं है इस पर, क्योंकि सभी अधिकारियों को पता है, लेकिन कोई भी काम करने के लिए या इसको जल्द से जल्द इसका सुधार करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए।
देख सकते हैं इन दीवारों को, दीवारें किस तरीके से टूटी हुई है, पूरे पिलर टूटे हुए हैं, छत इसकी लटक रही है, प्लास्टर इसका पूरा खस चुका है, उसके एंगल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं पूरे के पूरे छत से बाहर आ चुके हैं। पूरी स्कूल आपसे आगे से लेकर के पीछे तक देखेंगे पूरी हालत जर्जर बनी हुई है इसकी, कभी भी हादसे को अंजाम देने का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी लोग। प्रशासन को ये नहीं है कि पता नहीं है, लेकिन प्रशासन कुछ काम ही नहीं करना चाहता इन बारे में। ये कोलिया गांव के तुषाराम जी हैं। तुषाराम जी आपको भविष्य वो अभी खतरे में है, और उसके बाद में बच्चे बारिश के अंदर पढ़ने नहीं जा पाते हैं, वहाँ खड़े रहने की जगह नहीं है, तो अधिकारी यहाँ पे कोई मौका मुआयना करके गए? तो आपका आप क्या चाहते हो इसके अंदर, कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, आप बोलो। शिक्षा अधिकारियों को शिकायत भी दर्ज करवाए थे, ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम सेवक अधिकारी ने करवाए थे, फिर भी उसके बाद भी कोई उस समस्याओं को हल करने का कोई समाधान नहीं हुआ है। और बारिश के टाइम में पढ़ने वाले स्टूडेंटों को इतनी हालत ख़राब हो रही है कि ऊपर से छत गिरने की बिल्कुल संभावना रहती है और नीचे बिल्कुल पानी भर जाता है। इस तरीके से स्कूल में डिजिटल सुविधाएं भी स्कूल में उपलब्ध नहीं है, इससे बच्चों की जो पढ़ने की रुचि है वो जो कम होती जा रही है। गांव के बच्चे हमेशा के लिए स्कूल में जाते हैं, और जो बारिश का टाइम होता है जब बिल्कुल बच्चे नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, और 4 महीने बच्चे स्कूल बिल्कुल नहीं जाते हैं, और इससे 4 महीने नहीं जाने के कारण बच्चों को काफ़ी सारा प्रभाव पड़ता है। स्कूल के लिए हमने एप्लीकेशन दे रखी है BDO साहब को, और उसने सचिव से बात भी हुई है, मतलब थोड़े दिन में काम चालू करने के लिए उन्होंने बोला है, और स्कूल को ठीक करवाने का कार्य करेंगे और स्कूल का काम पूरा भी करवाएंगे। लेकिन कब तक होगा, क्योंकि बारिश आने का समय बहुत नज़दीक है, ये 4 महीने तक गुजर जाएंगे, 4 महीने में क्या स्कूल तैयार हो जाएगी? 4 महीने तक हो जाएगी। हो जाएगी? हाँ, क्योंकि स्कूल के अंदर कोई भी सुविधाएं नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बैठने के डेंस नहीं है, बच्चों के दरिया प्रॉपरली नहीं है, खाने पीने की व्यवस्थाएँ सही प्रॉपरली नहीं है, उसमें किचन की व्यवस्थाएँ प्रॉपरली नहीं है। उसके लिए हम हमारी तरफ से सब व्यवस्था कर देंगे। ये तो कब तक, और शिक्षा अधिकारी से कोई आश्वासन मिला है? शिक्षा अधिकारी से अभी तक कोई नहीं मिला है, BDO साहब पब्लिकेशन दे रखी है, उन्होंने काम के लिए भी हमारे को बोला है। सर जो कोलिया गांव है, कोलिया गांव के स्कूल की हालत बहुत जर्जर हो रही है सर, और मैंने उसका सर्वे भी किया था, ये सर्वे में इतना कंस्ट्रक्शन बुरी हालत में था सर, वहाँ बच्चे बाहर बैठे हुए थे, तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है, कोई नोटिस वोटिस दिया गया है उदयपुर ऑफिस के अंदर? कोलिया हमारा मिडिल स्कूल है, और इसके अंदर जो है निश्चित रूप से कुछ कमरे ऐसे हैं जिनकी की छत जो है वो प्रभावित है, ख़राब होने की स्थिति में भी है, मैं खुद भी वहाँ पर जाकर एक बार देख चुका हूँ, तो उसके बारे में हमने हमारे निर्माण शाखा के अंदर इस बात की जानकारी करवाई हमने, तो ये पूर्व में भी इस विद्यालय के बारे में मरम्मत संबंधी जो प्रस्ताव उसका अनुमानित लागत बनाकर हमने जो है हमारे उस समय का सर्व शिक्षा अभियान को हमने प्रेषित किए थे, और जब से मैंने कार्यक्रम किया उसके बावजूद भी मैंने इस विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद हमारे GN से इसका एस्टिमेट बनवा कर लगभग 4.5 लाख रुपये का मरम्मत का प्रस्ताव हमने बनवा कर हमारे DPC कार्यालय को मरम्मत के लिए हमने 9 महीने के अंदर ही भेजा है, तो उसके बाद से अभी बजट अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, बजट वैसे जनरली सीधा SMC के खाते में ही आता है, जैसे ही बजट का काम आ जाएगा तो हम संबंधित प्रधानाचार्य की मदद से उस कार्य को जो उसमें निर्माण कार्य की आवश्यकता है उसको हम उसको पूरा करवाएंगे, जिससे कि विद्यालय के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एक्चुअली जो आपका ये क्वेश्चन है उससे हमने पहले भी इस बारे में जानकारी ली थी, क्योंकि कोटड़ा टोटली ट्राइबल एरिया है, अध्यापकों की यहाँ पर ज़्यादातर कमी रही है, तो जो यहाँ पर शिक्षाकर्मी जिन विद्यालयों के अंदर कार्यरत थे उन विद्यालय के चार्ज उनके पास में पूर्व में थे, हमारे पास में जब ये जानकारी रही कि भाई वहाँ पर जो है जो राजकीय नॉर्म्स के आधार पर जो योग्यताधारी जो शिक्षक वहाँ पर नियुक्त हो चुका है, तो उसके संदर्भ में हमने जो आदेश प्रसारित कर दिया है कि भाई जिन विद्यालयों के अंदर योग्यताधारी प्रधानाचार्य टीचर लग चुका है उसको क्या नाम है प्रधानाध्यापक का प्रभार वहाँ पर दिलवाया जाए,
तो काफ़ी स्कूलों के अंदर इसका जो है क्रियान्विति हो चुकी है, और जिन स्कूलों के अंदर अभी रह रही है, या तो उसके अंदर कारण ये हो सकता है कि जो नया प्रधान जो टीचर लगा है वो बिल्कुल ही नया है, अभी उसको जो विद्यालय की जो राजकीय कार्य जो करने का जो तौर तरीका है उसको अभी सीखने की स्थिति में है। जैसे ही वो स्थिति सामान्य हो जाएगी हम वापस शिक्षा कर्मी से चार्ज लेकर योग्यताधारी शिक्षक को दिलवाएंगे। चलते चलते एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी का काम कर रही एलएनटी की वजह से निगम और पीएचईडी को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। सीईओ के बाद महापौर ने भी स्वीकारा, कबाड़ कंपनी का नहीं है फिर क्यों चुप है जिम्मेदार। दिवाली के एक गरीब परिवार के साथ निगम ने किया सौतेला व्यवहार। पूरे शहर में अवैध निर्माण की लगी है बाढ़, सिर्फ गरीब की छत पर ही क्यों किया प्रहार। सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ आगाज। प्रीता ठाकुर ने कहा कि चालान से हमारे घर नहीं भरते, यह तो नियमों के पालन की सीख है। और कोटड़ा की 66 पंचायतों के सरपंचों और उप सरपंचों ने एक साथ ली शपथ, 5 साल में आदर्श पंचायत बनाने का किया वादा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।